हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिल्पी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो शिल्पी किचन, और फेसबुक पे भी शिल्पी क्यूजीन के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आए हैं। जी हाँ, मालपुए की रेसिपी लेके आए हैं। तो फेस्टिवल आने वाले हैं और बहुत सारी मीठी मीठी रेसिपी बनने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितनी रसीली है और बहुत ही खाने में टेस्टी है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन एक बात शेयर और करूंगी कि अगर आप भी खोए की मालपुए बनाते हैं, घंटों दूध को उबाल के या खोए बनाकर करते हैं, तो उसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दें। सबसे पहले हमने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है। जी हाँ, आज हम इसे गेहूँ के आटे से बनाने वाले हैं। तो एक कप यहाँ पे गेहूँ का आटा ले लेंगे हम। मिक्सर ग्राइंडर में इसे हमने डाल लिया है। तो मेज़रमेंट एक ही कप का रखें, उसी से सारा मेज़रमेंट करें। साथ में यहाँ पे एक चौथाई हमने सूजी ली है। कोई भी सूजी ले सकते हैं, बारीक या मोटी वाली, दोनों चलेंगी। साथ में यहाँ पे सौंफ हमने डाले हैं। थोड़ा सा हमने इमाम दस्ते में से अच्छे से कूट लिया, इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। सौंफ तो डलता ही है मालपुए में, तो इसे ज़रूर डालें। साथ में एक चम्मच हमने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है। अगर नारियल का बुरादा नहीं है तो उसे कद्दूकस कर लें। सूखा नारियल, फ्रेश नारियल भी आप यहाँ डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने कम डाला है, आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालें नारियल तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ में यहाँ पर हम मिल्क पाउडर ले रहे हैं। जी हाँ, 2 बड़े चम्मच यहाँ पे हम मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। जी हाँ, इसमें कोई भी खोआ चाहे कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, इसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। साथ में इसमें हम 1 कप पानी डाल देते हैं। आप चाहें तो दूध से भी इसका बैटर तैयार कर सकते हैं। 1 कप पानी डाल के इसे हमें ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ग्राइंड करेंगे। तो टोटल इसमें हमें 2 कप पानी लग गए हैं दोस्तों। तो 2 कप पानी हमने डाला है इसमें, और ये इतनी अच्छे से स्मूथ बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा हमने फूड कलर डाला है। आप चाहें तो सैफ्रॉन भी डाल सकते हैं। केसर थोड़ा सा दूध में भिगो दें और डालें तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा। मार्केट में आप जब भी जाते होंगे तो मालपुए देखते हैं, उनका कलर इन्हीं केसरिया रंग का होता है, तो ज़रूर डालें। तो देखिए कितने स्मूथ बैटर हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत लोग मैदा खाना नहीं पसंद करते हैं, तो आटे से बनाएं, ये भी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से मूंगफली। जी हाँ, पीनट मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा अलग ही स्वाद इसका आता है। आप चाहें तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पीनट डाल रही हूँ। रोस्टेड मूंगफली है, इसे हल्का सा क्रश कर लिया है। साथ में इसमें हम चीनी ऐड कर रहे हैं। जी हाँ, लगभग 4 चम्मच यहाँ पर चीनी डालें ताकि फीकी ना लगे। तो चाशनी भी हम बनाएंगे, लेकिन इसमें चीनी पहले हम ऐड कर देते हैं। इसे भी हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए यहाँ पे मिक्स हो गया। अच्छे से मिक्स कर लें, कोई भी गुल्ठियाँ तो अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे हम यहाँ पर। तो अभी इसमें हम कोई भी पानी नहीं डालेंगे, इसका बैटर अभी हमें अच्छा सही लग रहा है। बस इतना ही गाढ़ा बैटर चाहिए, इसे हम रेस्ट देंगे। तो लगभग हमने इसे 15 मिनट इसे रेस्ट दिया है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छे से स्मूथ बैटर हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। जब भी आप बैटर तैयार करें तो कम से कम आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए उसे रेस्ट दें ताकि वो सेट हो जाए। अब यहाँ पे चाशनी बनाएंगे। तो 1/2 कप यहाँ पानी लिया और 1 कप चीनी हम इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम पिघलने देते हैं। तो यहाँ पर चाशनी बनाकर तैयार कर रहे हैं हम। और ये देखिए चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई। चाशनी हमें गुलाब जामुन वाली जो चाशनी बनती है ना, बस उसी के तरह का टेक्सचर चाहिए। अब इसमें हमने यहाँ पे नींबू का रस डाल देना है ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो। और मैंने यहाँ इलायची पाउडर इसमें पहले ही डाल दिया था, दिखाया नहीं दोस्तों, तो ज़रूर डालें इलायची पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। डाल के इसे हम मिक्स करते, गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद नींबू का रस डालें तो चाशनी भी हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी बनी है चाशनी, तो चेक कर लेंगे। देखिए बिल्कुल चिपचिपी है, तार वार इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे अब हम साइड में रखते हैं। इसे मिक्स कर दिया है नींबू के रस को ताकि चारों तरफ फैल जाए अच्छे से। अब यहाँ पे जो हमने पैन लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तेल का क्वांटिटी हमने कितना कम रखा है। ज़्यादा तेल इसमें हमने नहीं रखना है और मीडियम हॉट फ्लेम पर इसे हम डालेंगे। एकदम गर्म तेल में बिल्कुल भी कभी मालपुए ना डालें, नहीं तो क्या होते हैं ना, वो फैल जाते हैं। तो इसलिए मीडियम हॉट में हम इसे डाल देंगे। तो ये देखिए बुलबुले आने शुरू हो गए हैं, अभी मेरा मीडियम हॉट है। अब इसे हम गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे कर दिया है हाई, और इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से इस तरह से उलट पुलट के हम क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो
तो देखिए कितनी पतली हमारी यहाँ पे ये बनकर तैयार हुई है मालपुए, बिल्कुल आटे की ज़बरदस्त। एक बात और शेयर करूँगी कि आप चीनी की जो चाशनी बनाएं उसके जगह आप गुड़ की चाशनी भी बना सकते हो। सिंपल गुड़ ले लें और उसकी चाशनी बना लें और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे मालपुए यहाँ पे फ्राई होकर रेडी हो जाते हैं। बिल्कुल क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल पतली शीट बनती है जिस तरह से आप हलवाई के शॉप पे खाते हो ना पतली पतली, बिल्कुल वैसे ही बनेगी। मालपुए का एक रूल है कि चारों तरफ से क्रिस्पी होते हैं और बीच में यहाँ पे होते हैं सॉफ्ट, तो बस इसे खाते ही मुंह में घुल जाती है। अब इसे हम गर्मा गर्म चाशनी में डिप करते हैं। चाशनी भी आपकी हल्की गुनगुनी होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए और मालपुए भी गर्म होने चाहिए। तो फटाफट डिप करेंगे और इसे हम बाहर निकालते जाएंगे। जी हाँ, तो इसे डिप किया, फिर से किया। अगर आपको ज़्यादा मीठी पसंद है तो आप इसे थोड़ा देर इसमें रहने दें 2 सेकंड के लिए, उसके बाद बाहर निकालें, क्योंकि चीनी भी हमने पहले से डाल दी तो ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगेगी। बस डिप करते हुए निकाल दें। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हो बिना चीनी में, चाशनी में डुबाए हुए। बहुत ही पतली पतली क्रिस्पी लगती है, बिल्कुल मोटी नहीं बनती है। और ये देखिए सारे चाशनी में हमने डुबो के निकाल लिया है, बहुत ही मज़े का लगता है। थोड़ी सी चाशनी और डालें, जब भी आप सर्व करें तो इस तरह से ऊपर से चाशनी जरूर डालें, रस में डूबी हुई रहती है और बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़े से इसमें हम बादाम फ्लेक्स डाल देते हैं यहाँ पे, थोड़े से पिस्ता के कतरन डाल देते हैं और फेस्टिवल है तो इस पर थोड़ी सी चांदी का वर्क तो लगना बनता है ना दोस्तों, तो फेस्टिवल लुक के लिए इस पर चांदी के वर्क भी से इसे हम सजा देंगे। बिल्कुल लग रही है ना, मार्केट में मिलती है। अगर चाहे तो इसके ऊपर से थोड़ी सी रबड़ी भी आप डाल सकते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाए। तो इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। थैंक यू।